लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के बीच ईरान में एक बड़ा हादसा हुआ है। पूर्वी ईरान में मीथेन गैस के रिसाव के कारण एक कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में लगभग 30 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयला खदान में यह विस्फोट राजधानी तेहरान से 540 किलोमीटर दूर मौजूद तबस में हुआ। कोयला खदान में यह हादसा देर रात शनिवार को हुआ। विस्फोट के बाद अधिकारी फौरन घटना स्थल पहुंचे और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक विस्फोट के समय कोयला खदान में लगभग 70 लोग काम कर रहे थे और खदान में जैसे ही विस्फोट हुआ आसपास के जगहों पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के बीच चीख पुकार सुनी गई। ईरान के कोयला खदान में ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। ईरान में समय समय पर ऐसे हादसे की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और वो काफी ज्यादा भयानक और डराने वाली हैं। साल 2013 में दो अलग अलग खदान में घटनाएं सामने आई। इन हादसों में 11 मजदूरों की मौत हुई थी। इससे पहले साल 2009 में भी समय समय पर कई घटनाएं सामने आई जिसमें 20 मजदूर मारे गए थे। साल 2017 में एक कोयला खदान में विस्फोट हुआ था जिसमें कम से कम 42 लोगों की मौत हुई थी। ईरान में लगातार खनन क्षेत्रों में सामने आए विस्फोट और हादसों के लिए सुरक्षा मानकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जरा सोचिए, एक के बाद एक ऐसे हादसे होते रहे लेकिन ईरान के जो आला कमान है उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा सख्त फैसला नहीं लिया गया जिसकी वजह से इन हादसों पर रोक लगे। साथ ही जिस समय यह हादसा सामने आए उस समय खदान में मजदूर काम कर रहे थे और अचानक से विस्फोट होने पर वहां से भागने के लिए आपातकालीन सेवाएं मौजूद नहीं थी। इसी के चलते अपर्याप्त आपातकालीन सेवाओं को अक्सर मौतों के लिए दोषी ठहराया जाता है। जहां एक तरफ ईरान तेल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है वहीं ईरान में कई तरह के खनिजों का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा है। ईरान सालाना लगभग 3.5 मिलियन टन कोयले की खपत करता है लेकिन अपनी खदानों से हर साल सिर्फ 1.8 मिलियन टन ही कोयला निकालता है। बाकी के कोयले का आयात किया जाता है जिसे अक्सर देश की स्टील मिलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।